हम आपको OEI-157 आयरन में से थर्मल फ्यूज चेंज करने का तरीका दिखा रहे हैं। थर्मल फ्यूज चेंज करने के लिए एक 2-पार्ट स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम बॉटम कवर को यहां से निकालेंगे। उसके बाद हम हैंडल के दोनों स्क्रू निकालेंगे। अब हम टॉप कवर के स्क्रू को निकालेंगे। अब हमारे ये टॉप कवर निकल गया है। अब हम पावर कोर्ड के कनेक्शन को निकालेंगे। उसके बाद सेंटर प्लेट के स्क्रू को निकालेंगे। अब हम थर्मल फ्यूज के क्लैंप के स्क्रू को निकालेंगे। अब थर्मल फ्यूज के कनेक्शन को निकालेंगे। अब हमारा ये थर्मल फ्यूज पूरी तरह से निकल गया है। अब यहाँ पे हम नया थर्मल फ्यूज फिट करेंगे। सबसे पहले हम थर्मल फ्यूज को ऐसे रख कर क्लैंप को फिट करेंगे।
अब हम थर्मल फ्यूज़ का कनेक्शन करेंगे। थर्मल फ्यूज़ का एक वायर थर्मोस्टेट के कॉन्टेक्ट के साथ फिट करेंगे। थर्मल फ्यूज का दूसरा वायर हीटर के कॉन्टेक्ट के साथ फिट करेंगे। अब हमारा ये थर्मल फ्यूज़ का कनेक्शन पूरी तरह से हो गया है। अब हम सिरामिक रिंग को यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद हम सेंटर प्लेट को इस तरह फिट करेंगे। अब हम पावर कोर्ड का कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले हम एल का जो सिंबल दिया है वहाँ पे ब्राउन और नियॉन लैम्प का ब्लू वायर का कनेक्शन करेंगे। दूसरा जो एन का सिंबल दिया है वहाँ पे ब्लू पावर कोर्ड का ब्लू वायर का कनेक्शन करेंगे। तीसरा जहाँ पे अर्थिंग का सिंबल दिया है वहाँ पे ग्रीन विथ येलो वायर का कनेक्शन करेंगे। और चौथा जो नियॉन लैम्प का सिंबल दिया है वहाँ पे नियॉन लैम्प के वायर का कनेक्शन करेंगे। अब हम नियॉन लैम्प को इस तरह रख के टॉप कवर को फिट करेंगे।
उसके बाद हम हैंडल को इस तरह फिट करेंगे। अब हम पावर कोड को इस तरह रखकर स्ट्रेंथ रिलीवर को ऐसे बिठाएंगे और बैक कवर को इस तरह फिट करेंगे। अब हमारा आयरन पूरी तरह से रेडी हो चुका है।